हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की जो आज बैठक हुई है उसमें क्या हम फैसले लिए गए हैं, आपकी वैकेंसीज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में निकलने वाली हैं और बाकी इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं और इस तरह की जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बात करें निर्णयों की, तो पहला जो यहाँ पर निर्णय लिया गया है आज की बैठक में, यहाँ पे बताया गया है कि 9वीं से 12वीं कक्षा के जो स्कूल होंगे वो 27 तारीख से खोले जाएंगे। तो पहला डिसीजन जो है वो ये लिया गया है और इसमें बताया गया है कि 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं लगा करेंगी वो लगा करेंगी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को, और 9वीं और 11वीं के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए कक्षाएँ होंगी वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को। उसके बाद दूसरा जो निर्णय लिया गया वो लिया गया कि 8000 जो मल्टी टास्क वर्कर हैं उनके लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पे फिल करने के लिए अप्रूवल दिया जा चुका है। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए प्रति माह 5625 रुपये के हिसाब से इनको जो है वो पे दी जाएगी। नेक्स्ट जो है डिसीजन उसकी अगर यहाँ पे बात करें तो उसमें राज्य में JBT CNB अध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जो स्थानांतरण नीति है उसमें संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत क्या है दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए निर्धारित वर्तमान कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है। और नेक्स्ट जो निर्णय की बात करें कि प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आउटसोर्स पर रखे गए IT अध्यापकों के मानदेय में जो है वो 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो निर्णय लिया गया है, कुल्लू जिला की मनाली तहसील जो है उसकी ग्राम पंचायत नसोगी के गांव छियाल में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई है। वन प्रशिक्षण संस्थान एवं रेंजर महाविद्यालय सुंदरनगर जो है अब उसका नाम किया गया है हिमाचल प्रदेश वन अकादमी। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट डिसीजन की, तो राज्य में बड़ी मेगा एंकर इकाइयों को राज्य में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन करने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल जो है उसने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति एवं नियम 2019 के अंतर्गत प्रदेश में कस्टमाइज्ड पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स फॉर मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने की स्वीकृति यहां पर दे दी है। नायब तहसीलदार के 20 पदों को भरने के लिए यहां पर स्वीकृति दी गई है। बैठक में साथ ही साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में क्षतिग्रस्त क्रैश वैरियरों को बदलने की नीति को भी यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। काफ़ी यहाँ पे योजनाओं के नाम बदले गए हैं, जैसे कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का नाम मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना किया गया है। हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिमकेयर का नाम जो है वो मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिमकेयर रखने का निर्णय लिया गया है। सहारा योजना का नाम बदल के किया गया है मुख्यमंत्री सहारा योजना। साथ ही साथ अदर जो डिसीजन है यहाँ पर उनकी अगर बात करें तो कांगड़ा जिला के जो बैजनाथ है उसमें आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ एक जल शक्ति विभाग का नया खंड जो है वो वहाँ पे खोला जाएगा। नेक्स्ट कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय पलचान, जाणा और सिरड को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और राजकीय माध्यमिक विद्यालय हलान एक को राजकीय उच्च विद्यालय में स्थानोत्तरित करने वो उसके साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न श्रेणियों के 22 पद जो हैं वो भरे जाएंगे। जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में सिलीला रजी और दमशेड़ में नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। जिला मंडी में ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय शालागढ़ को राजकीय उच्च विद्यालय और जो राजकीय उच्च विद्यालय धरोड़ धार है उसको राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में यहां जो है वो स्थानोत्तरित किया गया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के में भी 10 नए जो हैं वैकेंसीज यहाँ पर निकाली जाएंगी। बैठक में साथ ही साथ जो है क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला की उप तहसील जो सेंच है उसको तहसील के रूप में भी यहाँ पे स्वीकृति दी गई है। और बिलासपुर जिले के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट है उसमें भी नई वैकेंसीज के सीजन के साथ सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें उसको स्थानोत्तरित करने का जो है वो निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जिला कुल्लू के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अरसू है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निथर है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ कुल्लू जिले के जो जगात खाना घाटू बागीपुल और उर्तू में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए और इन स्वास्थ्य जो संस्थान हैं इनमें जो वैकेंसीज निकलेंगी उसको भरने का भी यहाँ पर निर्णय लिया गया है।
जिला कुल्लू के बंजार क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गड़सा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित करने के साथ इस स्वास्थ्य संस्थान के लिए जितनी भी वैकेंसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उनको भरने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वर्णिम दृष्टि पत्र तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में वर्तमान COVID-19 स्थिति पर प्रस्तुतियां भी दी गई इसमें। तो ये थे डिफरेंट डिसीजंस तो लिए गए आज की कैबिनेट मीटिंग में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और इस तरह के अपडेट्स आगे भी पाने के लिए जो हिमाचल से रिलेटेड होती हैं चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।